सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे एरिए में, यानी कि अबोर एरिए में, हरिपुरा गांव में। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गुरुद्वारा साहिब, श्री अकालगढ़ साहिब गुरुद्वारा है, जो कि आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं आज आपको गुरुद्वारे के दर्शन करवाऊंगा। हम चल पड़े हैं, बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम, ठंडा मौसम है आज। ये देखिए खेतों में लहर लहराती फसलें। वैसे हमारा एरिया जो है कृषि प्रधान एरिया है, यहाँ पर किन्नू की फसल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये रास्ते में बाग आप देख रहे हो, किन्नू के बाग जो है सर्दी में आता है फ्रूट, संतरे जैसा फ्रूट, जो कि इस वक्त ऑल वर्ल्ड में यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यह गुरुद्वारा साहिब हरिपुरा गांव में स्थित है, और यहाँ पर एक और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है बड़तीर्थ साहिब। तो उस गुरुद्वारे के दर्शन फिर कभी करवाऊँगा, आज आप दर्शन करेंगे श्री अकालगढ़ साहिब का। यह इतिहास लगभग 500-600 वर्ष पुराना है, जब इस धरती पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 4 जुलाई 1705 को फकरसर थेड़ी से आकर हरिपुरा ठहरे थे। रात को विश्राम किया तथा सुबह दीवान लगाकर दुनिया को ज्ञान देते हुए, दुनिया को तारते हुए फिर से फकरसर थेड़ी चले गए थे। तब से यह ऐतिहासिक जगह जहां अब गुरुद्वारा साहिब बनाया गया है, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है ये। आप इसकी अलग अलग झलकियां देखें, तो यह देखिए अंदर का भाग। आज के दिन यहाँ पर लंगर जो है बनाया जाता है, संगत को खिलाया जाता है, और दूर दूर से संगत यहाँ पर आ रही है। यह 17 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर मीठे चावल, दाल, रोटी का लंगर यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर ये जो सामने आप झाड़ देख रहे हैं, इसके नीचे भी एक छोटा गुरुद्वारा बनाया हुआ है, जहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर नमक और झाड़ू जो है चढ़ाया जाता है, सभी यहाँ पर आकर मत्था टेकते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सबकी यहाँ पर सुनते हैं। यह देखिए वह दृश्य जहाँ पर संगत नतमस्तक होती है, बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ यहाँ पर जामुन के भी 3 पेड़ हैं, जहाँ से हमने जामुन खाए, और सारी संगत यहाँ पर जामुन खाती है, क्योंकि जामुन की अद्भुत है। यह था गुरुद्वारा साहिब के दर्शन, अकालगढ़ साहिब। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में।